इधर पानीपत के निजी होटल में हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन और जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से दोनों ही एसोसिएशन का आपस में विलय हो गया। हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन और जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का आपस में विलय हो गया है। पानीपत के होटल में दोनों ही संस्थाओं की बैठक हुई और सर्वसम्मति से दोनों संस्थानों का विलय हो गया। विलय के बाद अब इसे हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से सूरजपाल अम्मू को एसोसिएशन का प्रधान और विजेंदर लोहान को महासचिव चुना गया। जिम्नास्टिक एसोसिएशन और जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का विलय पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती के ऊपर हुआ है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के हित में, हरियाणा के खेल के हित में, हरियाणा के खिलाड़ियों के हित में जो निर्णय आज विजेंद्र लोहान ने और हम लोगों ने जो मिलकर निर्णय किया, हमारी टीम ने किया है, निश्चित तौर पे वो हरियाणा के खिलाड़ियों को ओलंपिक में और आगे इंटरनेशनल जिम्नास्टिक में आगे ले जाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कार्यक्रम में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षक HS भादु मुख्य रूप से उपस्थित रहे और अब दोनों संगठन के एक होने से हरियाणा के हित में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल जिम्नास्टिक में आगे ले जाने के लिए बहुत फायदा मिलेगा। नहीं, खेल में किसी को परेशान नहीं करने दिया जाएगा और जो अधिकारी खेल में बाधा करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, उन सबका इलाज किया जाएगा। के खेलों का मैं अभय चौटाला गुट के एसोसिएशन से संबंध रखता हूँ। हमने देखा कि खेलों के बारे में टकराव से खेलों बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा था। फिर हमने मिलके फैसला लिया कि बच्चों को और खेल के हित में दोनों एसोसिएशनों का एक होना बहुत ज़रूरी था और हमने अभय चौटाला और अनिल विज के परामर्श अनुसार दोनों एसोसिएशन को एक करके हमने हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का गठन किया। दो संस्थानों के अलग अलग चलने से पिछले कई सालों से हरियाणा के खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा था, जो कि अब नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि खेल मंत्री अनिल विज और नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के प्रयासों से दोनों संस्थान एकजुट हुए हैं। पानीपत से कुलवंत शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।